हेलो स्टूडेंट्स, डीबीएस इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ का भूगोल का अगला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम खनिज को देख लेते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी की भूपर्पटी कई खनिजों से बनी है, ठीक है, और उसमें विद्यमान खनिज को हम शोध करके विभिन्न प्रकार की धातुएं निकालते हैं, ठीक है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अर्थात आप अपने जीवन काल में खनिजों से बनी कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे वह छोटी सुई हो या बड़ी इमारत हो। सभी किसके बने होते हैं? खनिजों के बने होते हैं, ठीक है। ऊर्जा संसाधन, जैसे आपका कार हो गया, बाइक हो गई, हवाई जहाज हो गया, ठीक है ना, सभी तो खनिजों के बने हैं। सभी किसके बने हैं? खनिजों के बने हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए, ठीक है ना, उनको गतिशील करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब, उनको चलाने के लिए धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा हम उनको संचालित करते हैं, ठीक है। हाँ, भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक, भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्रकृति में विद्यमान समरूप तत्व है। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्रकृति में विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी आंतरिक संरचना होती है। आंतरिक संरचना का मतलब उसमें एक कठोर हीरा से लेके नरम चूना तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मेन क्या है, खनिजों का वर्गीकरण, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। खनिजों का वर्गीकरण, इसमें हेडिंग डाल लीजिए, खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण में नंबर एक पर आ जाएगा आपका धात्विक खनिज। क्या आ जाएगा? धात्विक खनिज। अगला आ जाएगा अधात्विक, नंबर एक पर धात्विक खनिज, नंबर दो पर अधात्विक खनिज, नंबर तीन पर ऊर्जा खनिज। ठीक है, आराम से देख लीजिए, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब इसमें देखिए, धात्विक खनिज में भी कई प्रकार के हैं। जैसे एक आपका हो गया लौह, लौह धातु, इसमें डालिए लौह धातु। लौह धातु का मतलब जिसमें लोहे का अंश हो, ठीक है। नंबर दो पर अलौह, लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, अलौह धातु जिसमें लोहे का अंश ना हो, और नंबर तीन पर आपका आ जाएगा बहुमूल्य, बहुमूल्य खनिज या बहुमूल्य धातु, ठीक है। देख लीजिएगा, धात्विक खनिज में आपका आ गया लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य खनिज, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, लौह धातु में जिसमें लोहे का अंश रहता है, ठीक ना, उसमें आपका क्या क्या आएगा? लौह अयस्क, लौह धातु में लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोवाल्ट, ठीक है। लौह धातु में लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोवाल्ट। अलौह धातु में आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपका आ जाएगा तांबा, ठीक है।
जस्ता, तांबा, जस्ता, सीसा, तांबा, जस्ता, सीसा और बॉक्साइट। ये आपका हो गया लौह अयस्क, ये आपका हो गया अलौह अयस्क। बहुमूल्य खनिज आप सबको पता होगा, जो बहुमूल्य होते हैं अर्थात सोना, चांदी, ठीक है, सोना, चांदी और क्या, प्लेटिनम, ये आपका आ गया बहुमूल्य खनिज में। अब हम देखेंगे अधात्विक खनिज या अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का मतलब जो धात्विक ना हो, है ना, जो धातु के ना बने हों, उनको हम क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आपका आएगा, एक तो आ जाएगा आपका अभ्रक, क्या आ जाएगा आपका अभ्रक, नमक, पोटाश, अभ्रक, नमक, पोटाश और सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि, ठीक है ना। इसमें आपका क्या हो गया, अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना, संगमरमर आदि, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा अधात्विक खनिज में। आगे आपका आ जाएगा ऊर्जा खनिज, क्या है, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज सबको पता होगा आपका क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से इसको हम इसका वर्गीकरण कर दिए। फिर से देख लीजिए, खनिजों का वर्गीकरण में तीन प्रकार के, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में लौह धातुएं, लौह धातुएं का मतलब जिसमें लोहे का अंश हो, कौन कौन सी होती हैं, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट। धात्विक खनिज में अगला है अलौह धातु, जिसमें लोहे का अंश ना हो अर्थात तांबा, जस्ता, सीसा, बॉक्साइट। अगला है बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज में आपका क्या आ गया, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। फिर उसके बाद क्या है, आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु का अंश ना हो अर्थात अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि। ऊर्जा खनिज अर्थात जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती हो, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के आप लोग जानते होंगे, एक वीडियो में हम बताए थे कि नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है, लेकिन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है ना, स्रोत, इसको हम नहीं बताए थे, इसको देख लीजिए, ठीक है। वर्गीकरण कह सकते हैं या फिर इसे ऊर्जा संसाधन में या फिर डालिए ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में आप लिखेंगे परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत। ठीक है, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा
स्रोत, ठीक है। अच्छा, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती क्यों है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें अपने वाहनों को चलाने में, खाना बनाने में, रोशनी के लिए आदि चीज़ों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, परंपरागत का मतलब जो बहुत पहले से पृथ्वी पर विद्यमान हो, ठीक है, बहुत पहले से उसका यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप ऐसे याद करिए, आप कभी भूलेगा नहीं। जैसे परंपरागत क्या शब्द है, परंपरागत, जैसे आपके घर में कोई भी परंपरा चली आ रही हो, वो सदियों से चली आती है, ठीक ना। उसी प्रकार से परंपरागत का मतलब जो बहुत 100-200 साल से चली आ रही हो, उसका यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसको हम किस में लिखेंगे, परंपरागत स्रोत में। और गैर परंपरागत स्रोत में जो अभी हम 10-20 साल से जिसका यूज कर रहे हो, उसको हम किस में कहेंगे, उसको हम कहेंगे गैर परंपरागत स्रोत में, ठीक है। हाँ, जो आपका परंपरागत स्रोत है या एक दिन समाप्त हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा, लेकिन जो गैर ऊर्जा का इस परंपरागत स्रोत है या कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो परंपरागत स्रोत का मतलब इसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे कोयला आपका परंपरागत स्रोत में आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कोयला क्या 10-20 साल से है, बहुत 100-200-500 साल पुराना कोयला है, ठीक ना, पृथ्वी के अंदर दबा था, उसका हम उपयोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन बहुत पहले से तो था, इसलिए कोयला किस में आएगा, परंपरागत स्रोत में। ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, कि यह बहुत पहले से था, लेकिन आपको याद क्या करना है कि परंपरागत स्रोत में क्या आएगा, गैर परंपरागत स्रोत में क्या आएगा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक। गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत में क्या आएगा आपका, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जोरी ऊर्जा हो गया, ठीक है। सौर ऊर्जा का मतलब ये समाप्त क्यों नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपने अपने यहाँ आपने सौर ऊर्जा लगाई है, ठीक है ना, सूर्य की रोशनी आई, ऊर्जा मिली, बैटरी चार्ज हो गई, पता चला रात में वह ख़त्म हो गई, ठीक है ना, तो क्या कल सूरज नहीं निकलेगा, फिर सूरज निकलेगा, फिर बैटरी चार्ज होगी, फिर हमको ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना। पवन ऊर्जा आपने लगाया है कहीं, हवा आई, आपको जो भी लगाए हो बैटरी वो चार्ज हो गई, रात में आई, दिन में समाप्त हो गई, तो क्या फिर हवा नहीं चलेगी, फिर हवा चलेगी, फिर पवन ऊर्जा हमको मिलेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गैर परंपरागत स्रोत ये नवीकरण योग्य संसाधन है और परंपरागत स्रोत अनवीकरण योग्य संसाधन है। हाँ, एक चीज और, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यह किस में आएगा, परंपरागत स्रोत में या गैर परंपरागत स्रोत में, ठीक है। हम कह रहे हैं कि परंपरागत स्रोत जो बहुत पहले से चला आ रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, परंपरागत स्रोत। विद्युत तो अभी हम जल्दी से बनाए हैं, 10-20-50 साल से बिजली उत्पन्न करना हम जानते हैं, बिजली बनाए हैं, तो यह किस में आएगा, गैर परंपरागत स्रोत में आना तो चाहिए इसमें, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, विद्युत ऊर्जा परंपरागत स्रोत में आपका आएगा, ठीक है ना। ठीक है, विद्युत ऊर्जा भी आपका परंपरागत स्रोत में है, ठीक है। बाकी के लिए इसको देखिए, आप लोग नोट्स बनाइए, जो कुछ छोटा होगा फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट कीजिए, उसको बताया जाएगा, ठीक है।